उत्तर प्रदेश के बरेली में पाकिस्तानी गाना सुनने के आरोप में दो नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया है। दोनों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामला बरेली के भुता थाना क्षेत्र का है। जिले के सिंघाई मुरावान गांव में एक दुकान पर कथित रूप से दोनों लड़के ये गाना सुन रहे थे। इस पर गांव वालों ने आपत्ति जताई थी। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक दुकान के भीतर दो लड़के हैं और एक गाना बज रहा है, जिसके बीच बीच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हालांकि दी लल्लन टॉप स्वतंत्र रूप से इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के जिला महामंत्री शिव प्रताप सिंह ने बरेली के एडीजी से इसकी शिकायत की थी। इसके बाद एडीजी ने भुता पुलिस को जांच के आदेश दिए। बरेली पुलिस ने ट्विटर पर जो लिखा वो भी बता देते हैं। भुता थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाकिस्तान जिंदाबाद का गाना बजाए जाने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद आईपीसी की धारा 153B, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया। घटना की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। खबर के मुताबिक भुता थाने के पुलिस अधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि इस मामले में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, इसीलिए हिरासत में लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बरेली पुलिस ने शुक्रवार 15 अप्रैल को एक और ट्वीट में बताया, पुलिस को शिकायत मिलने के बाद FIR दर्ज की गई है। मामले में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच जारी है। आरोपी लड़के के बड़े भाई सद्दाम हुसैन ने बताया कि पुलिस पहले उन्हीं को पकड़ कर ले गई थी, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। सद्दाम ने कहा, छोटे भाई ने गाना बजाया था, मैं उस वक्त बरेली में था। छोटे भाई ने गलती से फोन में गाना बजा दिया, उसे मोबाइल चलाना नहीं आता है। बाद में उसे पता चला कि उसका वीडियो भी बना लिया गया, डर से उसने बताया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। वहीं आरोपी की मां ने बताया कि इससे पहले उनके बेटे ने ऐसा गाना कभी नहीं बजाया था। उन्होंने जो कहा वो आपके साथ साझा कर देते हैं। वो बोली, पुलिस दोनों लड़कों को पकड़कर ले गई है। एक बच्चा सौदा लेने आया था, उसी के फोन में गाना बज रहा था। मेरा बेटा उसे सामान दे रहा था। हमारे बच्चे ने गलती की, लेकिन उसको माफ कर देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। उधर बीजेपी नेता शिव प्रताप सिंह ने कहा कि उन्हें स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना दी थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत अधिकारियों को जानकारी दी। शिव प्रताप ने कहा कि ऐसे देशद्रोही लोगों को पता होना चाहिए कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और देश विरोधी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी साकेत ने। मैं हूँ आस्था, कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।